कोरोना ड्यूटी के फर्ज के लिए सिपाही ने स्थगित कर दी अपनी शादी। शादी के कार्ड भी बढ़ चुके थे। सभी तैयारियों के बावजूद ड्यूटी को दी अहमियत। संबल पुलिस महकमे में कर्तव्य निष्ठा और फर्ज की मिसाल पेश करने वाले सिपाही रवि हाथरस जिले में बिसावर थाना क्षेत्र के गाँव के रहने वाले हैं, जो कि संबल जनपद में गुन्नौर थाने के कार्यालय में मुंशी के पद पर तैनात हैं। सिपाही रवि की शादी राजस्थान में भगतपुर जिले की माधुरी से तय हुई थी। 16 अप्रैल को शादी की तिथि निश्चित कर शादी के निमंत्रण कार्ड भी रिश्तेदारों को बांट दिए गए थे। शादी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन इन सब तैयारियों के बावजूद सिपाही रवि चौधरी ने अपनी पुलिस की ड्यूटी के फर्ज को शादी से बड़ा बताते हुए शादी स्थगित कर दी। खास बात यह कि सिपाही रवि चौधरी की कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित होकर जिले में तैनात 5 अन्य सिपाहियों रजनीश, आदित्य देव, योगेश, राकेश और राहुल ने भी अपनी शादी स्थगित कर दी। अब ये सभी सिपाही एक योद्धा की तरह अपनी फिक्र किए बिना पुलिस की ड्यूटी कर अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं। जिले के SP यमुना प्रसाद ने कोरोना से चल रही जंग में कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पेश करने वाले इन सभी पुलिस कर्मियों की तारीफ की है। जनपद संभल में लॉकडाउन का पूर्तिया पालन कराया जा रहा है। इसी में हमारे सिपाही से लेकर के सभी अधिकारी तक पूर्तिया मुस्तैद हैं। सभी क्षेत्रों में लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और हॉटस्पॉट और लॉकडाउन का पूर्तिया अनुपालन करा रहे हैं। इसमें हमारे कुछ ऐसे भी कर्मी हैं जिनकी शादियाँ तय थी, निश्चित समय पर होने वाली थी, जिसको उन्होंने इस माहौल को देखते हुए अपने फर्ज निभाने के लिए उन्होंने अपनी शादियाँ टाल दी हैं। ऐसे हमारे यहाँ 6 व्यक्ति हैं, जिसमें कांस्टेबल रजनीश कुमार और कांस्टेबल आदित्य देव, कांस्टेबल योगेश कुमार, कांस्टेबल रवि चौधरी और कांस्टेबल राकेश कुमार। मैं इन सभी की सराहना करता हूं, तहे दिल से सराहना करता हूं कि इन्होंने ऐसे समय में जब देश को और राज्य को इनकी आवश्यकता है, इनकी सेवाओं की आवश्यकता है, इन्होंने अपनी शादियां टाल दी हैं। अपने परिवार को इन्होंने आश्वस्त किया है कि जब कोरोना का संक्रमण समाप्त हो जाएगा तब हम शादी करेंगे या अपना परिवार आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और ऐसे लोग की सराहना करता हूं कि अपने फ़र्ज के लिए इन्होंने यहाँ पे अपनी शादी और अपने परिवार का त्याग किया है। बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जिन्होंने जो अपने परिवार से दूर रह करके अपने छोटे बच्चे को लेकर के ड्यूटी कर रहे हैं। तो हम सभी मिल करके क्षेत्र में लगातार ड्यूटियाँ कर रहे हैं, सभी भ्रमणशील रहते हैं, अपना फ़र्ज निभाते हैं और सभी से ये अपेक्षा है कि अपना राष्ट्र हमारे लिए सबसे आगे है और उसकी सेवा हमें करनी है। हम राष्ट्र को नमन करते हैं। कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। जय हिंद।